तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी द्वारा पार्ट वन और पार्ट टू, पार्ट वन ऑनर्स पेपर और पार्ट टू सब्सिडरी पेपर का जो भी परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है। तो आइए जानते हैं कि इसका जो भी स्थगित करने का मुख्य कारण क्या है, किन किन कारणों से जो भी परीक्षा है वो स्थगित की गई है और कब तक इनका जो भी परीक्षा है वो दोबारा से ली जाएगी। तो यदि आप लोग तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के छात्र एवं छात्राएं हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करें, आप सभी लोगों के लिए यह इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह आज का न्यूज़पेपर के माध्यम से आया हुआ है अपडेट, पार्ट वन और पार्ट वन ऑनर्स और पार्ट टू की सब्सिडी की परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित की गई है। इनकी आपसी को पता होगा कि इनके द्वारा जो भी नोटिस है वो भी जारी कर दी गई है, सभी लोग अपना जो भी नोटिस है वो भी देख लिए होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं छात्रों की मांग और लगातार आंदोलन के बाद टीएमयू प्रशासन ने पार्ट वन ऑनर्स की परीक्षा 2023 और पार्ट टू सब्सिडी की परीक्षा की तिथि घोषित की थी। अब सोमवार को विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोनों परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा स्थगित किए जाने को लेकर के अधिसूचना भी जारी कर दिया गया। पता चले कि स्नातक पार्ट टू के ऑनर्स पेपर की परीक्षा होने के बाद ही छात्रों को सब्सिडी परीक्षा का कार्यक्रम जारी होने का इंतजार लंबे समय से इंतजार था, लेकिन यहाँ पे लेकिन सोमवार को परीक्षा नियंत्रक ने अगले आदेश तक परीक्षा स्थगित कर दिया। इधर परीक्षा स्थगित किए जाने पर जो भी अखिल भारतीय विद्या परिषद था उनका जो भी गुस्सा है वो फूटा। सभी स्टूडेंट लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर दिए, जिसके कारण यहाँ पे जो विश्वविद्यालय का जो भी घेरा है वो भी किया गया। यहाँ पे जाइए जानते हैं कि इनका जो भी मुख्य कारण है वो क्या है, जिसके कारण यहाँ पे जो भी परीक्षा है वो स्थगित की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तीन से चार लाख तक उत्तर पुस्तिका की जरूरत है, लेकिन खरीद पर 25 से 30 लाख रुपये होंगे खर्च। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि इसका जो भी मुख्य कारण था, यानी कि ये परीक्षा जो भी आदेश तक जो भी रोका गया है वो मुख्य कारण इनका उत्तर पुस्तिका था। इनकी इनका जो भी आंसर शीट है वो कम हो जाने के कारण इनका जो परीक्षा है वो स्थगित की गई है, क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो भी आंसर शीट थी उनकी ज़रूरत थी जिनके कारण यहाँ पे उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण इस परीक्षा को यहाँ पे दोनों परीक्षा को ऑनर्स और सब्सिडी की परीक्षा को स्थगित करना पड़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अनंत झा ने कहा कि विश्वविद्यालय में संसाधन का अभाव है, इन दोनों कक्षाओं की परीक्षा के लिए करीब 3 से 4 लाख उत्तर पुस्तिका की जरूरत है। इनकी 3 से 4 लाख इन आंसर शीट का इनकी कॉपी का जो भी जरूरत था, लेकिन इनकी उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं है। उत्तर पुस्तिका की खरीदारी जेम पोर्टल से किया जाना है। विश्वविद्यालय में स्थायी FPO वित्त पदाधिकारी और FPO वित्त परामर्श नहीं है। बिना FO और FP के इतनी बड़ी राशि की खरीदारी नहीं की जा सकती है। 25 दिन पहले राजभवन को पत्र लिखा गया था, लेकिन वहाँ से स्थायी FO का या कोई भी यहाँ पे जो भी अपडेट है वो नहीं मिला, ना ही कुछ हुआ। तो ऐसे में 25 से 30 लाख रुपये खर्च कर खरीदारी कैसे की जा सकती है। तो ये इनका जो भी कॉपी के कारण ही आपसी का जो भी एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन किया गया है अगले आदेश तक। तो यहाँ पे जो भी अपडेट आती है तो मैं आपसी को अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल तो आपसी लोग हमसे जुड़ करें, जो भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपसी को अपडेट किया जाएगा। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।